हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीप नेक पर फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बेल्ट ब्लाउज की। तो यहाँ पर ये मैंने मेन फैब्रिक लिया हुआ है और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसे इस तरीके से खोल लें और अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है आपको। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मुझे यहाँ पर 14 इंच तैयार रखनी है, तो मैंने 15 इंच पे एक मार्किंग कर ली है, 1 इंच मार्जिन कर लिया हुआ है। और डीप नेक के फ्रेंड्स, ये बैक में 10.5 इंच का नेक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 36 साइज़ में शोल्डर लेने हैं 5.25 इंच, आर्मोल्स लेने हैं 5.5 इंच। और इस तरीके से नीचे लाइन ड्रॉ करके हमें मिला देना है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 9 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है 2 इंच। मार्जिन भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1/2 इंच इस तरफ से लेना है और इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमें बैक पार्ट में करना होता है डीप नेक में। 1 इंच की आर्मोल्स की गुलाई दे देनी है। और देखिए, यहाँ पर कमर का 4th पार्ट लेना है 7.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है 3 इंच। बैक पार्ट में हम 1 इंच मार्जिन बढ़ा कर लेते हैं, बैक पार्ट में प्लेट्स डाली जाती है इसलिए। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट की कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। नीचे से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसे आपको कट कर देना है। तो देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा बेल्ट ब्लाउज है, तो इसलिए हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले कपड़े को सीधा करना है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से, क्योंकि फ्रंट पार्ट की जो टोटल लेंथ हो गई है हमारी, वो हो गई है 16 इंच। और देखिए, 1/2 इंच भी यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो आप यहाँ पर 1/2 इंच ही उससे थोड़ा सा कम एक्स्ट्रा लीजिएगा हाई हुक की पट्टी के लिए, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ से नीचे से 1 इंच और इस तरफ से 1/2 इंच ले लिया है एक्स्ट्रा में और अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसे एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने इसे एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। ये इजी तरीका है कटिंग करने का और आपका ब्लाउज भी जल्दी कट हो जाता है इसे। अब देखिए, आर्मोल्स तरफ से हमें 1/2 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ से लिया है 1/2 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। 5.5 इंच पे हम आर्मोल्स का शेप दे देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट आर्मोल्स में भी गुलाई करनी होती है, तो ये शेप के अकॉर्डिंग हम गहराई दे देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ध्यान रहे, जब भी आप बेल्ट ब्लाउज बनाएं, 1 इंच आपको फ्रंट पार्ट में ऐड करना होता है, प्लस करना होता है आपको 1 इंच, तो आपका जो बेल्ट ब्लाउज है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। देखिए, हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें देखिए, हमने 1/2 इंच की यहाँ से आर्मोल्स की गहराई कर दी है। ये डीप नेक के हमने इसमें शोल्डर कम ही लिए हैं, तो हमें गहराई यहाँ पर ज़्यादा नहीं देनी है, सिर्फ 1/2 इंच जितनी ही मैंने यहाँ पर गहराई दी हुई है। अब देखिए, हमें यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मार्किंग करनी है। तो 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़ते हुए मैं 2.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें बैक पार्ट में डोरी लगा रही हूँ। अगर आप डोरी नहीं लगाते हैं तो आपको 2 इंच या 2.25 इंच ही लेना है। और नेक विड्थ, नेक की जो लंबाई है वह आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग की है। नीचे से मैंने यहाँ पर 2.5 से 3 इंच तक आप ब्रॉड ले सकते हैं विड्थ में। और लेंथ ली है मैंने यहाँ पर 7 इंच और यहाँ पर मैंने राउंड नेक ड्रॉ किया है। अगर आप कोई और नेक बनाना चाहें तो अपनी पसंद से बना सकते हैं। बेल्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ मैं 3.5 इंच पर, इस तरफ से भी 3.5 इंच पर और इस तरफ से भी 3.5 इंच पर। अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। हमने इस लाइन को सीधा कर दिया है और हल्का सा यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर करते हुए दोनों तरफ से शेप दे देंगे। अब इसे कट कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे 4 इंच, मैंने आगे की तरफ से 1/2 इंच ऐड करते हुए लिया है। 4 इंच पे एक कट लगा लेंगे। यहाँ से ले रही हूँ मैं लेंथ में 2 इंच, इस तरफ से लिया है मैंने 4 इंच और इस तरफ से लिया है 2 इंच। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से लेना है आपको सेंटर। फ्रंट की तरफ से हमें सेंटर की मार्किंग की है और यहाँ से लिया है हमने 2 इंच लेंथ में। 1/2 इंच दोनों तरफ से लेना है आपको। 3 इंच यहाँ से लिया है हमने और इस तरफ से, तो ये गेप हमारी 2-2 इंच की आ रही है और बीच में हमारा एक राउंड सर्कल इस तरीके से बनना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कंप्लीट कर ली है। दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे, तो हमें आर्मोल्स नापने हैं यहाँ पर। तो 2 इंच मैंने इस तरफ से छोड़ा हुआ है और ऊपर से 1/2 इंच, तो हमारे जो आर्मोल्स है वो आ रहे हैं 8 इंच, उसमें हमने 1/2 इंच प्लस कर दिया है। और इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है स्लीव्स कटिंग करने के लिए। मैं यहाँ पर बड़ी स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ, 11 इंच की लंबाई ली हुई है मैंने यहाँ पर। और जो आर्मोल्स हमने नापे थे वो हम यहाँ लेंगे 8.5 इंच और इस तरीके से हमें यहाँ पर 3.5 इंच पे इसे डाउन कर देना है। आप भी 3 या 3.5 इंच पे इसे डाउन कर सकते हैं। अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो 2.5 इंच पे इसे डाउन कीजिएगा और एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर, इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अब यहाँ से आर्मोल्स नाप लेने हैं 8.5 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो ये हमारी परफेक्ट स्लीव्स हो जाएगी। और यहाँ से हमें लेना है 5.5 इंच, जो भी आपका मेजरमेंट रहेगा वो लीजिएगा। और यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे नीचे की तरफ मिला देना है और इसे कट कर लेना है। और यहाँ से हमें 1/2 इंच जितनी ही गहराई दे देनी है। साथ ही आप मार्किंग कर ले ताकि स्लीव्स जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सभी पार्ट्स कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। थोड़ा बढ़ाकर मैन फैब्रिक पर मैंने कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर स्लीव्स पर हमें एक डिज़ाइन देनी है पत्ती शेप में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बुकरम के यहाँ पर पीस लिए हुए हैं और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो दोनों ही डिज़ाइन के पार्ट हमारे कट हो जाएंगे इसमें। और यहाँ से एक पत्ती का शेप दे देना है आपको, ज़्यादा ब्रॉड में नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेंगे। बीच से भी इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी एक ये डिज़ाइन रेडी हो गई है जिसे मैं स्लीव्स पे आपको बनाना बताऊंगी इजी तरीके से। अब हम नेक के लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग ली हुई है, पेपर पेस्टिंग, इसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से नेक की विड्थ ले रही हूँ मैं 2.5 इंच, नेक की विड्थ ले रही हूँ मैं 2.5 इंच और लेंथ में लेंगे यहाँ पर 10.5 इंच। आपको जितनी लेंथ रखनी है, अगर आप थोड़ा और डीप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ से लिया है मैंने 3 इंच और यहाँ पर हमें डिज़ाइन के लिए पैटर्न ड्रॉ कर देना है। तो आप जो भी डिज़ाइन यहाँ पर रखना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। बीच से कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमने कट कर लिया है इसे।
तो देखिए हमने यहाँ पर सभी पार्ट कंप्लीट कटिंग कर लिए हैं। बैक पार्ट को भी मैंने प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है, चिपकाने वाली पेस्टिंग है उसमें। तो देखिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। इसे हम मैन फैब्रिक के साथ अच्छे से अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर चारों ही तरफ से। तो देखिए हम सेंटर में मार्किंग भी कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमें नेक अटैच करना है इसलिए, और फ्रंट पार्ट को भी आमने सामने रखें और इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लें। तो देखिए इसमें हम इस तरीके से प्लेट्स डाल लेंगे। तो प्लेट्स मैं इसी तरीके से डालती हूँ, पहले कच्ची सिलाई लगाकर इसे अस्तर के कपड़े के साथ हम सिलाई लगाकर अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हाफ इंच यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से हम यहाँ पर इसे कम कर लेते हैं। तो दोनों ही तरफ आपको इसी तरीके से रेडी करना है। अब बेल्ट को भी आमने सामने रखें और इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लें। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है आपको। दोनों ही बेल्ट मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। और ये जो टक्स है उसे आपको इस तरीके से आगे की तरफ फोल्ड कर देना है। दोनों ही तरफ ध्यान रखें कि टक्स हमें आगे की तरफ ही फोल्ड करना है। और इस पर पक्की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लें। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसे सिलाई लगाकर कट कर देना है आपको। तो देखिए हमने दोनों ही पार्ट रेडी कर लिए हैं। और बैक पार्ट को इस तरीके से हम नेक को फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है, सिर्फ जितना फोल्ड करना है हमें उतना ही पार्ट रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। और इसका सेंटर मार्किंग कर लेना है। मैंने यहाँ पर नेक थोड़ा ब्रॉड में कम रखा है, अगर आप थोड़ा और ब्रॉड करना चाहें तो नीचे से नेक को आप फैला सकते हैं। और यहाँ से कट मिलाते हुए सेंटर से हम इसकी मार्किंग करके इसे अटैच कर लेंगे। ध्यान रखें सेंटर से बिल्कुल बराबर आना चाहिए ये। और जो हमारी पेपर पेस्टिंग है उसके साथ साथ हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक को बीच से कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि नेक हमारा अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। सेंटर में एक कट लगा लें और यहाँ पर हम बैक पार्ट में प्लेट्स डाल लेंगे। नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी लगाकर इसे रेडी कर लेना है। तो बैक पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब फ्रंट पार्ट में हम हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो वो आपको इस तरीके से करनी है। और देखिए यहाँ पर पट्टी को इस तरीके से रखें और ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है सिलाई लगाकर आपको। तो ये यहाँ पर फिनिशिंग के साथ आपकी हाई की पट्टी रेडी हो जाएगी।
एक्स्ट्रा पट्टी जो बाहर की तरफ निकल रही होती है उसे आपको कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें और इस तरीके से पट्टी को इस तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लें और इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है आपको। तो देखिए फिनिशिंग के साथ आपकी हाई हुक की पट्टी रेडी हो गई है। बराबर करके चेक कर ले कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। नेक पे लगाने के लिए उरेट पट्टी कट की है मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की और उसे हल्का सा खींचते हुए आपको अटैच कर लेना है एक पैर का मार्जिन रखते हुए और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं आपको और इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर ले जितना हमें फोल्ड रखना है सिर्फ उतना ही लें और यहाँ से फोल्ड करते जाएं फिनिशिंग के साथ और सिलाई लगाते जाएं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है, दोनों ही पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें अस्तर के साथ इसे सिलाई लगाकर पलट लेना है। अस्तर वाली स्लीव्स आपको हमेशा इसी तरीके से रेडी करनी होती है। साइड से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है आपको। बराबर करके आपको सेंटर मार्किंग करनी है क्योंकि इसमें हम डिजाइन लगाएंगे और इसे इस तरीके से अटैच कर लेना है आपको। तो यहाँ पर ये मैंने चिपकाने वाली पेस्टिंग नहीं ली है, अगर आपके पास चिपकाने वाली पेस्टिंग होती है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये बुकरम लिया है मैंने डिज़ाइन के साथ, इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है कपड़े पे। सेंटर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से भी आपको जो हमने सेंटर में कट लगाया हुआ है वहाँ से ले लेना है आपको 3.5 इंच। अगर आप थोड़ा और ऊपर अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं 3.5 इंच पे से अटैच कर रही हूँ और इस तरीके से रख कर इसके ऊपर एक सिलाई बीच में कच्ची लगा लें। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसके साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब बीच से कपड़े को कट कर देना है आपको और एक साइड से एक तरह का मार्जिन रखते हुए इसे कट कर देना है आपको और बीच में छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर एक डिज़ाइन आपकी सुंदर सी रेडी हो जाएगी, सिंपल तरीके से बना सकते हैं आप। अब इसके ऊपर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है आपको और पीछे की तरफ आपको सुई धागे से तुरपाई कर लेनी है। दूसरी स्लीव्स में भी आपको इसी तरीके से रेडी कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स रेडी कर ली है। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो बैक पार्ट की जो पट्टी लगाई थी हमने पेपर पेस्टिंग की उसे बाहर की तरफ रखना है इस तरीके से और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को इस तरीके से रखना है आपको। ठीक है, फ्रंट पार्ट के शोल्डर को इस तरीके से रखना है और इस तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और इसे खोल लेंगे तो फिनिशिंग के साथ आपके शोल्डर यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएंगे। अब हमें नेक के ऊपर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में सेंटर मार्किंग करेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के हम एक पिन लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको नीचे से बराबर करते हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे आपको निकलने देना है और सीधी एक सिलाई लगा लेनी है कच्ची। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है आपको। ऊपर से भी आपको
आर्म होल्स को बराबर कर देना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है जो हमने कट करा था, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा खुल चुका है। वहाँ पर सिलाई लगाकर वापस पैक कर देना है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेना है आपको। और यहाँ पर देखिए, हम सेंटर से शोल्डर जॉइंट करेंगे। यहाँ से शोल्डर के यहाँ से स्लीव्स को जॉइंट कर लेनी है हमें। तो यहाँ पर देखिए, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही तरफ से इसी तरीके से करें और इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है आपको। और दूसरी तरफ की भी स्लीव्स इसी तरीके से आपको जॉइंट कर लेनी है। और देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर एक सिलाई सीधी तरफ लगा लेनी है। ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारे ब्लाउज के अंदर की तरफ चली जाती है। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब हम ब्लाउज को फोल्ड करके इस तरफ सिलाई लगा लेंगे। ब्लाउज को हमने उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। दोनों ही तरफ आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब हाई की पट्टी को छोड़ के हमें फिटिंग की सिलाई यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेना है, स्लीव्स का हाफ लेना है हमें। तो मेरी स्लीव्स की गोलाई यहाँ पर 13 इंच है, तो हाफ ले लेंगे हम 6.5 इंच और नीचे से 5.5 इंच ले लेंगे। 11 इंच गोलाई है तो, और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। धन्यवाद।